फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप सभी का एमटी मिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में करने वाला हूं एक मिनी एटीएम का अनबॉक्सिंग और बताने वाला हूं कैसे होता है यूज। तो बने रहिए मेरे साथ में, बताऊंगा इस वीडियो में पूरी बात। दोस्तों, ये है बॉक्स और VI218 मॉडल है। ये चाइना कंपनी का है और इसके बगल में है इसका अप साइड और अप डाउन साइड कुछ नहीं। इसके बैक में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगा और इसका मॉडल नंबर VI218 और इसकी साइज़ देखने को मिल जाएगी पीछे। और यहाँ पर कुछ कंपनी की जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी पीछे की तरफ, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, इस पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो इसे मैं कर लेता हूँ अनबॉक्स। हाँ, मैंने इसे खोलकर एक बार चेक कर लिया है कैसे यूज था, तभी तो मैं आपको बता पाऊँगा। फिर ये रहा मिनी एटीएम। एक मिनट फोकस कर ले, ये हो गया। इसके बैक में यहाँ पर आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा और कुछ जानकारी, इंस्ट्रक्शन, लोगो। और ये हो गया इसका बैक साइड। यहाँ पर आपको स्क्रूप देखने को मिल जाएंगे, दो स्क्रूप हैं और इसके साइड में कुछ नहीं। और इसके फ्रंट व्यू ये रहा, यहाँ ऊपर कंपनी नाम। और ये देखिए मेन चीज़ जो है यहाँ साइड पर दिया गया है, यहाँ पर आप अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं। डेबिट कार्ड जो भी कार्ड है आपका, वहाँ यहाँ स्वाइप कर सकते हैं। स्वाइप करने के लिए साइड में दिया गया है तो, और इसके ऊपर की तरफ दिया गया है यहाँ पर एक स्विच, जिससे आप कर सकते हैं इस मिनी एटीएम को ऑन या फिर ऑफ, देख लीजिए ध्यान से। और इसके नीचे की तरफ दिया गया है चार्जिंग के लिए, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। डाटा केबल भी इसमें आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं फ्रंट व्यू पे इसके, चलो कर लेते हैं इसे ऑन पहले, इसे कर लेते हैं ऑन। लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, जैसे आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में करना पड़ता है। ये हो गया ऑन। यहाँ पर देखिए चार्जिंग बता रहा है, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है ये बता रहा है। अगर आप ये ऑटोमेटिक, यहाँ पर इसका ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। फिर आपने आप मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, जिस भी ये बैंक का होता है। करने के बाद कुछ सिस्टम होते हैं, कर आप इसे बड़ी आसानी से कनेक्ट करा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं बता सकता इसमें, क्योंकि मेरा कोई और बैंक का है, आपका कोई और बैंक का रहेगा। आप उसे और वीडियो कहीं मैं बता दूंगा, आप समझ सकते हैं। अगर आपको चाहिए किसी बैंक का, पर्सनली बैंक का, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर ये जो इसमें देख लीजिए कीज़ दिए गए हैं, इंटर बैक, ये सब, जिसे आपको यूज करने में काफ़ी आसानी होगी। तो फिर इसे हम कर लेते हैं ऑफ और कर लेते हैं इसे साइड, देख लेते हैं ऑफ कैसे होता है। इसे लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, आसानी से हो जाएगा ये ऑफ। ये चाइना है भाई, चाइना में लिखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो रहा है ऑफ। तो इसे साइड कर लेते हैं, हम हो गया ऑफ। और यहाँ पर आपको ये कार्ड मिल जाएगा, वारंटी कार्ड है, रिवर ऑफ अप्रूव्ड अप्रूवल। चलिए इसे भी हम कर लेते हैं साइड में और इसके नीचे देख लेते हैं क्या है। तो इसमें मुझे मिल जाएगा केबल, यहाँ डाटा केबल है, ये आपका मिनी एटीएम चार्ज करने के लिए। तो इसे निकल जा भाई, निकल जा, ये निकल गया। ये एकदम वही जो एंड्रॉयड वाला चार्जर होता है आपका, वही सेम डाटा केबल ये भी है, हार्ड है, काफ़ी अच्छा है डाटा केबल इसका। हाँ, देख लीजिए, ये सब नॉर्मल सा है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। कोई भी सुझाव हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरे चैनल की वीडियो चेक कर लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।